नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। शिव भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशीवासियों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को काशी विश्वनाथ धाम की सौगात देने जा रहे हैं। 8 मार्च 2019 को जिस विश्व स्थान धाम का प्रधानमंत्री का शिलान्यास किया था, करीब 33 महीने के बाद आज नव्य भव्य काशी विश्वनाथ धाम पूरी तरह से बनकर तैयार है। करीब 250 साल पहले अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका कायाकल्प कर दिया है, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आज वो सपना साकार हो चुका है। गंगा जल लेकर अब शिव भक्त सीधे बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकेंगे। आज से पहले जब भी कोई श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आता था तो उसे बनारस की तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन अब इस कॉरिडोर के बनने के बाद श्रद्धालु गंगा घाट से सीधे बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पहुंच जाएंगे। इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। इस पूरे कॉरिडोर को 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। इस कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट और परिक्रमा पथ पर 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिसमें काशी की महिमा और इतिहास का भी जिक्र किया गया है। इसके निर्माण में चुनार के गुलाबी पत्थर, मकराना का सफ़ेद मार्बल और वियतनाम से लाए गए खास पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इस कॉरिडोर में मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिटी म्यूजियम और वाराणसी गैलरी जैसी अन्य कई सुविधाएं मौजूद हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।